के साथ अंकिता पाल ब्रिंडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम ने अग्निवीरों को तोहफा देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देगी, साथ ही घायल अग्निवीरों का इलाज भी सरकार की तरफ से कराया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई अग्निवीर अपना उद्योग स्थापित करता है तो उसे 5 लाख रूपये की सहायता भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने आगे क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा, हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का एक गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा, घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने पैसा दे दिया नहीं, मुआवजा हुआ है, मुआवजा मान ले डेथ हो गई है 15 दिन का जो नहीं कैशलेस हो गया मान ले। एक मिनट मैं पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया,
डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर हुआ, उसका तो बिल लेगा ना डॉक्टर? हॉस्पिटल को पेमेंट करना, हॉस्पिटल को, वही कह रहा हूं, यही कह रहे हैं सीएम साहब, कह रहे हैं कि मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती या अपाइज हो जाता है तो फैमिली या परिवार, हॉस्पिटल को, जो भी डॉक्टर है, वही बात मैंने कही कि डॉक्टर को, डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा हुआ है। पंचकुला के पिंजौर में एशिया के सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मंडी का उद्घाटन किया, जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अभी फल और सब्जी मंडी के प्रथम चरण का जो उद्घाटन है वो किया गया है और मंडी का निर्माण 78 एकड़ में 220 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि दूसरे चरण का कार्य भी 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अपने संबोधन में सीएम ने हरियाणा में एशिया के सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन किया और कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है। ₹717 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसान के खाते में डालने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वो शुरू की है। इस योजना बागवानी फसलें जिसमें फलों की सब्जियों के लिए 750 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ सब्जियों मसाला फसलों में 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश का वो किसान उठा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वर्ष 2023-24 में कुल 27,71,000 रुपए की प्रीमियम के रूप में जमा हुए हैं और बाणवा किसानों को इस योजना के तहत 68,34,000 रुपए के नुकसान के मुआवजे की भरपाई देने का काम भी बागवानी के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। 10 वर्षों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 2 प्रकार ये चल रहा है। हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हॉर्टिकल्चर के लिए जो हमारा बागवानी का किसान है उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य किया है और वर्तमान में 7% में बागवानी और 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुणा करके 22,00,000 एकड़ व उत्पादन को 3 गुणा करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है ताकि हमारे किसान की आय बढ़े और हमारा किसान को उसका लाभ मिले। बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर चलाए जा रहे हैं, ताजे फल सब्जियों के लिए आपूर्ति पर चलाए जा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बाकी रह गए और ऐसे में कांग्रेस ने भी अब हाईवे बेल्ट को मजबूत बनाने के मकसद को लेकर हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से अभियान के तीसरे दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोनीपत के राय क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर बहालगढ़ तक निकाली और इस दौरान उनके साथ में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के अतिरिक्त भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा की जनता रोजगार को तरसती रही, अपराध बेलगाम हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का जनता से मोह भंग होता जा रहा है। का हमारे सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर खोला जाए। अंबाला वासी बहुत त्रस्त है, मैं कल अंबाला शहर में था मेरा कार्यक्रम, अंबाला शहर वासी बहुत दुखी हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर रखा है। अगर कोई किसान संगठन जाकर जंतर मंतर या दिल्ली में कहीं जाके अपना मांग लेके जाना चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ, तो उसके लिए शंभू बॉर्डर रोकना जो है मैं समझता हूं कि
और इतने लंबे समय तक रोकना, अंबाला वासी इससे त्रस्त हैं। और जब तो अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए तो शंभू बॉर्डर खुला। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया था। और साथ ही यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि उनके पास सिर्फ बातें हैं। 10 साल उनका राज रहा, 10 साल में 10 करोड़ से भी ऊपर के 10 काम बता दें, 5 करोड़ से भी ऊपर 5 काम बता दें। उन्होंने कहा कि अगर वह 10 काम बताएंगे तो हम 50 काम बताएंगे, क्योंकि उनके पास में सिर्फ बातें हैं, बताने को कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ही विशाल एक कार्यक्रम हुआ है जो बैकवर्ड मोर्चे का था, और उसमें पूरे हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में जो ओबीसी के से संबंधित लोग हैं उन्होंने उसमें भाग लिया, और कुछ नई घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने की हैं जिनका निश्चित तौर से ओबीसी को लाभ होगा। और पहले से ही सरकार ओबीसी के लिए बहुत से योजनाएं, बहुत चिंता उसकी कर रही है जिससे ओबीसी को बहुत लाभ रहा, और ओबीसी का आशीर्वाद निश्चित तौर से इस सरकार को रहता है। एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नीरज शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में बिजली उत्पादन की एक भी मदर यूनिट बीजेपी लेकर नहीं आई है। लगातार बढ़ रही बिजली की खपत, उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद को समझते हुए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, जिसके चलते अब न केवल फरीदाबाद बल्कि प्रदेश की जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही नीरज शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार अदानी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। इस पूरी गर्मी शायद हरियाणा का कोई ऐसा निवासी हो जो बिजली से परेशान ना हो। बात खाली NIT 86 की नहीं, बात खाली फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की। कभी हम लोगों ने सोचने की कोशिश की कि ऐसे बुरे दिन क्यों आ रहे हैं? लाइट नहीं आती, हम जाइए SDO एक्शन को फोन करते हैं, जाम भी लगा लेते हैं। पर साथियों, जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार अडानी की पुतली है। फरीदाबाद के NIT विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा के बयान पर नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डांगर ने पलटवार किया है। नीरज शर्मा ने वार्ड नंबर 1 में करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिस पर अपनी ही प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश डांगर ने कहा कि जो भी विधायक दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा, असल में वे अधिकारी और अन्य दूसरे लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। नागर ने यह भी आगे कहा कि जिन कार्यों पर नीरज शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं वो दोनों फाइल NIT विधानसभा की वार्ड नंबर 1 की हैं, जो एरिया कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्य क्षेत्र में आता है, जिसमें सिविल लाइन और पानी की पाइपलाइन के काम की अलग फाइल है और साथ ही इंटरलॉकिंग टाइल की भी एक अलग फाइल है। और ऐसे में जो भी नीरज शर्मा आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। प्रेस वार्ता हमारे NIT 86 के स्थानीय विधायक, जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एक आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 1 में एक ही जगह की एक ही काम की दो फाइलें बनाई गई हैं, वहां पे घोटाला हुआ है। उस जो आरोप लगाया है या जो वो बात कह रहे हैं उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। इसका ताजा उदाहरण मेरी राजीव कलोनी का। राजीव कलोनी के अंदर 62 लाख का टेंडर हुआ प्रेरणा पॉकेट के अंदर, लगभग 1200 स्क्वेयर मीटर सीवरेज की लाइन डलने का, 1677 स्क्वेयर मीटर पानी की लाइन डलने का, 1810 स्क्वेयर मीटर पुरानी टाइलें उखाड़ के वहीं उसी जगह लगाने का, और उस दौरान जो टाइलें टूट जाती थी लगभग 798 स्क्वेयर मीटर नई टाइल लगाने का। अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच में सहमति बनी है। पुलिस ने, आपको बताते चले कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया है, और किसानों ने अंबाला अनाज मंडी में जाकर जेल से रिहा किसानों को सम्मानित करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और साथ ही वापस शंभू बॉर्डर पर लौट गए हैं।
में जाने की, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 लागू थी, तो इसलिए इनको जिले के बाहर ही यहां रुका गया है और इनसे बातचीत हो गई है और ये सहमति बनी है कि धारा 144 की उल्लंघना नहीं करेंगे, हमारे तय किए गए रूट से ये शंभू बैरियर चले जाएंगे। इनसे सभी बातचीत हो गई और सभी पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में। क्या जिन किसानों को डिटेन किया गया था उन्हें छोड़ा जाएगा? हाँ, वो तो आज के लिए टेम्परेरी कुछ डिटेंशन थी, जो तो बातचीत चल रही थी उनसे उन सबको छोड़ दिया गया। कितने किसान थे? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन सबको छोड़ दिया गया। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र बावल की एक निजी कंपनी में 32 साल के कर्मचारी ने कंपनी प्रबंधन की प्रताड़ना से परेशान होकर बीती रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। मृतक सोनी कुमार नरवाना के एक गांव का रहने वाला है और पिछले 12 साल से बावल की निजी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल विभाग में काम करता था। कर्मचारी साथियों यूनियन प्रधान ने बताया कि मृतक सोनी का कंपनी प्रबंधक ने विभाग बदलकर उन्हें प्रोडक्शन में भेज दिया था और जब कर्मचारियों की कंपनी प्रबंधन से सहमति नहीं बनी तो सोनी कुमार ज्यादा तनाव में आ गया और ये कदम उठा लिया है। मेरे भाई के साथ कंपनी मैनेजर की वजह से तंग आकर मरा है। सुसाइड नोट लिखा है उसने कंपनी मैनेजर के नाम से और मेरे को सुबह 7:45 बजे फोन आया है, कंपनी से ही फोन आया है, तो उन्होंने बताया कि कंपनी में ऐसे ऐसे तरवाई में सुसाइड नोट लिखा है, हमारे मैसेज आया है, तो क्या दिक्कत है? मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही दुखदायक हादसा था हमारे लिए भी और उसके परिवार के लिए भी बहुत। हमारा एक साथी हमारे बीच से छोड़ के गया है, प्रबंधक पक्ष के ऊपर उसने आरोप लगाए, अभी हमें वो पत्र तो प्राप्त हुआ नहीं है, पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है कि भाई आपको दे दिया जाएगा FIR होने के बाद। अब उसमें क्या आरोप है क्या नहीं, उन्होंने इतना ही बताया कि भाई प्रबंधक पक्ष के ऊपर आरोप है सर। सोनी का सर अभी क्या है कि हमारे कंपनी में थोड़े से मैनेजमेंट और यूनियन की तरफ से खींचतान चल रही है, कुछ मतभेद से बन रहे हैं, थोड़े सा उस खिंचाव की वजह से मैनेजमेंट ने भी अपना प्रेशर दिखाया है। नारनौंद के गांव खाड़ा खेड़ी की सड़क पर 6 महीने से गंदा पानी जमा हुआ है जिसका समाधान न होने से लोगों में रोष है। अब गुस्साए लोगों का जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया है। जाम की सूचना मिलते ही नारनौंद के तहसीलदार तरुण प्रकाश, नायब तहसीलदार ओमबीर और नारनौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तहसीलदार तरुण ने लोगों को जल्द से जल्द पानी निकलवाने और साथ ही स्थायी समाधान करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने करीब 1 घंटे बाद जाम को खोला है। तो वही मामले में नारनौंद नगर पालिका के पार्षद संदीप सिंह और राजेश का भी कहना है कि जुलाना खांडा खेड़ी बास और मुंडाल भिवानी की तरफ से जाने वाली सड़क पर नाले की सफाई न होने के चलते गंदा पानी ओवरफ्लो हो जाता है। किया है कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल में 20 दफा तो SDM के पास जाए, दरखास्त दिया है भाई, यानी कि अपने लिखित में 20 बार पूरा गांव का ये रास्ता है फिरनी का, कोई भी गांव का बास का खंडे का पेटवाड़ का सुलचानी का वो कहीं का भी आवे तो यहीं से रास्ता जाता है। बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में से आते हैं वो इसमें पड़ जाते हैं। प्रशासन का कोई भी जूनी रोमरी कम से कम सेक्रेटरी को SDM गौतम MLA को भी लिखित में दे लिया सारे इन पड़ोसिया ने, ये जैसे सामाजिक आदमी राम अवतार जी इन्होंने भी गौतम साहब का यहाँ खुला दरबार था उसमें भी लिख के दे दिया। हरियाणा के कई इलाकों में डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं। यमुनानगर में भी डेंगू के 3 और चिकनगुनिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया का एक केस रिपोर्ट भी हुआ है। यमुनानगर की डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने बताया कि यमुनानगर जिला में डेंगू एवं चिकनगुनिया के 5 मामले सामने आ चुके हैं जबकि मलेरिया का 1 मामला सामने आया है। देखो तीनों ही मच्छर जनित बीमारियां हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया का एक ही मच्छर है एडीज और मलेरिया के लिए एनोफिलिस है। मलेरिया क्योंकि गंदे मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में होता है तो मोस्टली अब लोग साफ सफाई रखते हैं स्वच्छता अभियान की वजह से, तो मलेरिया के मच्छर इतने नहीं मिले हैं ना ही हैं अभी यहां पे मलेरिया। जो भी आए हैं केस जो 1-2 आए हैं वो बाहर से आए हैं, यूपी से या बिहार से। बाकी डेंगू
यमुनानगर में पिछले कई सालों से लगातार जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसी साल भी यमुनानगर के रादौर रोड से ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। सैकड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी की रथ का रस्सा खींचकर आगे चले गए। जो लोग उनके मंदिर में नहीं जा पाते थे, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान अपने शहर में निकलते थे और यही प्रथा जो है इस्कॉन प्रचार समिति के माध्यम से देश और विदेश। हम जो सभी भक्तजन जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान जी का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते थे, लेकिन हर साल भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी के अंदर अपनी कंबल डालने के लिए सड़क पर जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, क्या इसका महत्व है, क्यों निकाली जा रही है? जगन्नाथ रथ यात्रा का अर्थ है जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी, जो कि जगन्नाथपुरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।